दोस्तों, अक्सर कई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो फाइल को यहाँ से सेव करते हैं तो सेव करने के बाद में एक एरर आता है, उसमें लिखा रहता है कि वी कांट सेव मोबाइल नंबर बिकॉज द फाइल इज रीड ओनली, टू कीप योर चेंज यू आल नीड टू सेव द वर्कबुक विद ए न्यू नेम और ए डिफरेंट लोकेशन। ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर के नाम से जो फाइल बनी हुई है आप उसको केवल रीड कर सकते हैं, और आप यदि उसे सेव करना चाहते हैं तो आपको उसे डिफरेंट नेम से डिफरेंट लोकेशन पर सेव करना होगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका सलूशन हम करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है रीड ओनली, तो रीड ओनली के ऊपर टिक हो रखा है, आप क्या करेंगे इसको अनटिक कर देंगे, फिर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। इतना करने के बाद में अब देखिए मैं फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो मोबाइल नंबर के सामने पहले रीड ओनली लिखा हुआ था, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। और मैं इस फाइल को देखिए सेव करता हूँ तो ये सेव भी हो रही है। देखिए अब कोई डिफरेंट लोकेशन नहीं मांग रही और डिफरेंट नेम भी नहीं मांग रही। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पहले रीड ओनली हटाएंगे, उसके बाद में इसको सेव कर पाएंगे। दूसरा सोल्यूशन ये है कि यदि आप यहाँ से रीड ओनली हटा देते हैं, रीड ओनली हटाने के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में यहाँ अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो अनइंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर जब ये आपका माइक्रोसॉफ्ट अनइंस्टॉल हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे किसी वर्जन को यहाँ पर इंस्टॉल करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, क्रैक वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उस वजह से भी ऐसा लिखा हुआ आता है, हमारी एक्सेल की फाइलें सपोर्ट नहीं करती हैं। तो हमें यहाँ से इस वर्जन को यहाँ से इंस्टॉल करना है और फिर दूसरे किसी वर्जन को इंस्टॉल करके ट्राई करना है तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। यदि आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।